यस बेटे, कल वाले सारे अच्छी तरह रिवाइज हो गए। वो आर्थिक शब्द का मीनिंग भी समझ लग गया। हुन अपना नेक्स्ट वर्ड करिए, फाइव ही करने हैं आज भी। नेक्स्ट वर्ड है अपना दारू। दारू लिखो, दारू है एक दवाई। गुरबानी चाहता है दुख दारू सुख रोग पिया, जा सुख ताम ना होई। ठीक है, एक दारू दवाई है, एक दारू है इलाज। इलाज एक दारू है, हाँ, नशा, शराब, शराब। दारू है बारूद। वो दारू सिक्का कट्ठा वर्ड यूज करते हैं, समान अर्थ समासी शब्द। दारू सिक्का, फौजां दा दारू सिक्का खत्म हो गया ते युद्ध हार गई। दारू, दारू मीन्स बारूद, जेड़ा तोपां च पैंदा है बारूद, उन्हों कट्ठा ही वर्ड बोलते हैं दारू सिक्का। इस तरह बोलते हैं दारू सिक्का। ये समान अर्थ रखता समासी शब्द भी नोट कर लो, जे बाय चांस इदां दा वर्ड आ जांदा तो उन्हों क्लियर ही ना होए। वैसे तो तुम कहोगे दारू अलग वर्ड भी बनता है क्योंकि वह मीनिंग शराब भी है, पर जो तो सिक्के दे नाल आ गया, सिक्का भी तो वो वरत्या जाता ना। ठीक है, सिक्का भी बारूद लई वरत्या जाता। ठीक है, दारू सिक्का। हाँ जी, लिखो बेटे, एक दारू शराब। टेबल बना के लिखना जिवें कल करवाया सी। इत्थे की लिखोगे? बारूद, शराब। लर्न ही तां होने है बच्चे तुहानू। नेक्स्ट वन इज, बोलो बच्चे, दवाई। नेक्स्ट इलाज। ठीक है, हो गया। इनू हम सेंटेंस च भावे तुसी यूज कर लो। हाँ ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जेडे दारू पींदे ने उन्हां दा घर भी बर्बाद ते अपनी जिंदगी भी बर्बाद। ठीक है, दारू पीना सेहत लई हानिकारक है, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा दारू पीना। देन बारूद सिक्का, फौजां दा दारू सिक्का खत्म हो गया ते ओह हार गईयां। नेक्स्ट वन इज दवाई। हरेक जेड़ा रोग है उसकी दवा दारू समय सिर कर लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इलाज। हर बीमारी दा दारू जेड़ा है वो भी वेले सिर कर लेना, सेम आ जाता है। ठीक है, दारू दवाई भी है। जेड़ा साडा मानसिक रोग है उहदा दारू गुरबाणी है। गुरबाणी विच भी आया है दुख दारू सुख रोग पिया। क्लियर। नेक्स्ट तक्का। तक्का एक तक्का था तुम। हाँ जी बच्चे बोलो। दवा दारू सेम समान अर्थ। तक्का लिखो, किसे नू डिगोना लिखो, डिगना या डिगोना। डिगोना या डेगना सेम मीनिंग। धक्का करना वधीकी करनी, मुहावरा यूज करते हैं आप। गरीबा नाल धक्का ना करो, ज्यादती धोखा नहीं, ज्यादती अन्या धोखा नहीं, जबरदस्ती ज्यादती। धक्का जोरी, वधीकी जुलम। इत्थे लिखो वधीकी, वधीकी लिखो, अन्या लिखो, अन्या वधीकी। देखो तू नो वर्ड आंदा है, समझ लो तुसी वर्ड पढ़िया होया अपनी बुक विच अन्या, पर ऑप्शन च आ जांदा है वधीकी, तुहानू पता ही नहीं चलेगा, तुहानू मीनिंग आने चाहिए ने। ज्यादती जबरदस्ती। ठीक है, उन्हूं कहिंदे धक्का जोरी करनी, जिवें सरमाएदार लोग गरीबां दे नाल धक्का ही तां करदे ने, ज्यादती करदे ने, वधीकी करदे हन। नेक्स्ट वन इज धक्का। एक है झटका लगना, किसी नूं सदमा लगना। जवान पुत्र की मौत नाल उसनूं बड़ा धक्का लग्या, आपां कहिंदे सदमा लग्या। सदमा दुख, बहुत वड्डा दुख। फेल होण नाल, नंबर घटण नाल उसनूं धक्का लग्या कि मेहनत करनी जरूरी है। जे स्टूडेंट लाइफ च आपां यूज करिए,
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਆ ਗਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਦੌਰਾ। ਦੌਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਪਾਗਲਪਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਪਨ, ਹਰ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈਦੀ। ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਬਰਤਨ, ਦੋਰੀ ਡੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਦੌਰਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਫੇਰੀ, ਦੌਰਾ ਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਫੇਰੀ ਮਾਰਨੀ। ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਯੈਸ, ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਦੌਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਦੌਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੀਨਸ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਹ, ਦੈਨ ਯਾਤਰਾ, ਬਰਤਨ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ, ਯਾਤਰਾ, ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਫੇਰੀ ਲਿਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫੇਰੀ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਮੀਨ ਡਬਲ, ਆਹ ਵਰਡ ਹੈ ਦੋਹਰਾ, ਇਹ ਕਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਰੀ ਤੈ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਚ। ਦੇਖੋ, ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਦੌਰਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡਰੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਰ ਆ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰੰਮ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੌਰਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡਰੰਮ ਬਰਤਨ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਧਾਰ। ਧਾਰ, ਧੱਦੇ ਨਾਲ, ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਰ ਤੇ ਧਾਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਧੀਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਧਾਰ ਮੀਨਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਾਰਨਾ, ਹੈਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਇਰਾਦਾ, ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ। ਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਣ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਨੈਕਸਟ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮੇਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸਾ ਧਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
तेज़ तेज़ पासा, इस चाकू दी तार कुंडी है, तेज़ है, ठीक है, वो तार भी है। तारमीज दृढ़ इरादा, पक्का इरादा, जे दृढ़ आ जाए तां भी लिखना है पक्का इरादा। पानी दी तार, समेत जा पिछेतर लगा के, पिछे लगाने आपां समेत। केसा तार, दुधा तार, धारी भी पिछेत्र हुंदा, तार भी पिछेत्र हुंदा, खंडे तार, ठीक है। आ देखो खंडे तार, अमृत तार, धारी भी हुंदा, खंडे तारी, केसा तारी, अमृत तारी, धारी पिछेत्र भी है, तार पिछेत्र भी है, पिछेत्र भी लिख सकते हो। ओनू जिहड़ा पिछे वर्ड लगता है ते एक मीनिंगफुल शब्द बनता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट लास्ट आपां की कीता, धार दा मतलब तेज पासा। इस चाकू दी, इस कैंची दी धार तेज नहीं है जा तेज है। नेक्स्ट बेटे नथ, गहना, जेड़ा नक च पाया जाता है, नथ गहना, नथ गहना। एक मुहावरा भी है नथ पाना, चलो मुहावरा की होंगे, नथ पाना, हाँ काबू करना, नथ मीन्स काबू करना। पुलिस ने मिलावटखोरां नूं नथ पा लई, चोरां नूं नथ पा लई। एक नथ रस्सी, रस्सी नहीं, मुहावरा नहीं लिखना, वो नथ पाना काबू करना होंदा बेटे। एक है रस्सी, एक नथ, की लिखा बेटे आपां, नेक्स्ट काबू करना, ठीक है बच्चे। जेड़े पशु ने उन्हां नूं नथ पाई जांदी है, मीन्स रस्सी नाल, रस्सी दी नथ पांदे है, बलदां नूं, गावां नूं, उन्हां नूं भी काबू करन लई रस्सी, उत्थे रस्सी वर्ड यूज करते हैं। ते जिहड़ा फड़ना हुंदा है, इत्थे काबू करना, पुलिस ने चोरां नूं नथ पा लई, बदमाशां नूं, गुंडियां नूं, जिहड़े माड़े अंसर हुंदे ने, जिहड़े के बुराई फैलांदे ने, उन्हां दा पुलिस दा काम है उन्हां नूं नथ पाउणा। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज, चलो हुण आपां करिए, हुण तुहाडी टर्न है समासी शब्द। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो बेटे समासी शब्द। मैं वर्ड लिखना, टेबल ही बनाओ, समासी, मैं समासी शब्द लिखना, ओदी किस्म दसनी, ओदा शब्द समूह बनाना, जिदे नाल तुहाडे 3 क्वेश्चन कवर हो जाने, ठीक है बच्चे। सब तो पहला ही जड़ा तुसी पेपर च किता, मी हनेरी, सब नू क्लियर हो गया केड़ा शब्द है, भिन्न भिन्न अर्थ, ठीक है, एदा शब्द समूह की बनेगा, मी अते हनेरी। पहले तो एक गल माइंड च बिठा लो कि 5 किस्मा विच अते लगता है शब्द समूह बनाने लई। अते, अते की है योजक। आपां समासी शब्द बनाउण दे लई किनू हटांदे हां, योजक जां संबंधक। संबंधक केड़ियां 2 किस्मां च लगदा, संबंधक केड़ियां 2 किस्मां च लगदा, एक साइड ते लिख लो, वाकंशियां वाले, उर्दू फारसी, उर्दू फारसी ते वाकंशियां विच की लगदा बेटे, बोलो बच्चे की लगदा, कदों लगदा संबंधक जां योजक, कदों लगदा, जदों समासी शब्द तो की बनाना है, शब्द समूह। समासी शब्द तो शब्द समूह बनाने लई की हटाया जांदा है ते की लगाया जांदा है, जोड़नी चिन्ह हटाया जांदा है ते संबंधक ते योजक लगाया जांदा है। पर जदों समासी शब्द बनाना है, समासी शब्द बनाना है तां उल्टा बोलो बेटे, समासी शब्द बनाने लई संबंधक जां योजक हटा के जोड़नी चिन्ह लगदा है,
ठीक है। एक क्वेश्चन दे नाल तुहाडे तीन क्वेश्चन कवर होने हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर च क्वेश्चन आया सही समासी शब्द चुनो, अर्थी शास्त्र, अर्थ शास्त्र, अर्थ शास्त्र या अर्थी शास्त्री, की सी वर्ड अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। हुण इहदी किस्म दसो, इहदी किस्म दसो, वाकंशावल ओ किवें पता चलिया? पहला तुसी उहदा शब्द समूह बनाओगे तां किस्म पता चलेगी। दसो इहदी किस्म। हुण इहदी किस्म दे विच ऑप्शन आंदियां ने, लिसन। इन्ना तो तुहानूं पता कि तुहाडे स्पैलिंग मिसटेक्स नहीं होण लगियां, क्योंकि सारा आना ही ऑप्शन च है, ते तुहाडे तुसी ऑप्शन चूज करनी। लिसन, अर्थ संबंधी शास्त्र, अर्थ दा शास्त्र, अर्थ अते शास्त्र, अर्थ नाल शास्त्र, अर्थ संबंधी शास्त्र। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वर्ड लोक विखावा। यस, लोक विखावा, लोक विखावा पहले तक किस्म दसो केड़ी है? वाकंशा वाली, वेरी गुड। चलो जे तुहानू वाकंशा लई पता लग गई है तो एदा मतलब तुसी संबंधक ही लगाओगे। हुण चलो पलक दसेगी एदे लई संबंधक केड़ा लगेगा। लोक विखावा लई संबंधक लोकां दा विखावा, लोकां अते विखावा, लोकां लई विखावा, लोकां उत्ते विखावा, लोकां लई विखावा, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, इस तरह आने हैं लोकां लई विखावा। नेक्स्ट वर्ड इज वेला कवेला। हाँ जी, अखिलेश दसेगा एदी किस्म, वेला कवेला। वेला कवेला विरोधी। चलो एदा एदा शब्द समूह तां इजीली बन जाना, वेला अते कवेला। तुहानूं ऑलरेडी दस दिता कि पंज किस्मां विच सिर्फ अते लगना है। ठीक है बच्चे, वेला अते कवेला। नेक्स्ट वन इज भुख प्यास। भुख प्यास, हां जी बच्चे बोलो। यस बेटे तुसी बोलो, केड़ी किस्म होएगी? पहले तो किस्म दसो। मैं हुण करा ही इस तरह रही हां कि तुहाडे तीन तीन क्वेश्चन प्रिपेयर हो। पिन पिन अर्थ, पिन पिन अर्थ, भुख ते प्यास। भुख प्यास अलग अलग है, विरोधी अर्थ नहीं आंदा। भुख अलग चीज है, प्यास अलग है, विरोधी शब्द नहीं बनता। पिन पिन अर्थ मीन्स भुख ते प्यास। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सचमुच। सचमुच, हर तरह की किस्म करवा देनी तुहानू, तुहानू ये भी पता लग जाना उहदा शब्द समूह किवें बनना, और ये सारे शब्द तुहाडे क्वेश्चन पेपर विच वर्ड्स आए सी। सचमुच ये तां कविता दा पहरा आया सी, उहदे च दित्ता सी कि हुसन हुसन है सचमुच कि एवें ही छलदा, पहरा आया सी ना मजदूरां दी झाकी च। दसो सचमुच केड़ी किस्म? सार्थक, क्योंकि मुच दा कोई मीनिंग है, एक शब्द दा मीनिंग होए दूजे दा मीनिंग ना होए। जिवें फॉर एग्जाम्पल लीड़ा लत्ता, अगला वर्ड लिख लो लीड़ा लत्ता। सेम, सार्थक निरार्थक। लीड़ा दा मतलब की होंदा कोई दस सकदा? लीड़ा मीन्स कपड़ा, लीड़ा लीड़ा लत्ता, सेम, सार्थक निरार्थक। इन्हां दा शब्द समूह अते लगा के,
पांच किस्मां याद करो, समान अर्थ, विरोधी अर्थ, दैन भिन्न भिन्न अर्थ, दैन सार्थक निरार्थक, दोहराओ। इन्हां दा जदों शब्द समूह बनाना है तां की लगना बच्चे, अते योजक, सच अते मुच, लीड़ा अते लत्ता। नेक्स्ट वर्ड, हथों हथी, हथों हथी। हाँ जी, नो नो, सारी गलत करते। जे राघव ने क्वेश्चन गलत, जे राघव ने क्वेश्चन गलत करता मीन तो अजे तक प्रैक्टिस हुई नहीं। हथों हथी सेम वर्ड है, दोहराओ वाला शब्द। एक किताब हथों हथी विक गई, ये जरूरी नहीं है कि इस तरह ही आना है, वक वक, एक एक, दो दो, पिंड पिंड। वेखो वेखी, वेखो वेखी भी की है, दोहराओ। इन्नी वड्डी गलती तुसी अज कर ली कि तुसी किस्म दसन तुहानू बच्चे, दोहराओ। हथों अते हथी। हुण दूसरा वर्ड भी लिख लो, वेखो वेखी, वेखो वेखी भी लिख लो, सेम दोहराओ वाला शब्द। पर इस अलावा तुसी ऑलरेडी किते हुए ने, केड़े केड़े शब्द ने बोलो, पिंड पिंड, शहर शहर, गली गली, थां थां, वारो वारी, वारो वारी लिखो, वारो वारी। वारो वारी दा मतलब ही वार वार है। इदा ना ना गलती करो कि तुसी वर्ड ही ये सार्थक निरार्थ होगे, जे वह नहीं तो समान अर्थक हो गए। राघव जी स्पेलिंग नहीं देखना, वर्ड भी देखो। हथों ते हथी, इको तो गल है, हथी ते हथों, वारो वारी। ये सारे की हुए बेटे, दोहराओ। इन्हां दे शब्द समूह बनाओ, वारो अति वारी, हथों अति हथी, वेखो अति वेखी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट केड़ी किस्म रह गई करने वाली, दसो। समान अर्थ, चलो लिखो। तुहाडे क्वेश्चन पेपर विच ही वर्ड आया सी गलबात, कि एक परमात्मा वालों मिलिया, कुदरत वालों मिलिया एक तोहफा है। पहला आया सी किसी सेट च गलबात, समान अर्थ। गल अते बात, कथा कहानी, यस, समान अर्थ, कथा अते कहानी। इदां दे तां बहुत सारे संगी साथी, सेम मीनिंग। ठीक है, हो गया क्लियर। इहदे लई भी की लगना है, अते। हुण आपां गल करिए, एक किस्म रह गई उर्दू फारसी, उहदी तुहानूं पता ही है, अलग पहचान है। शाने पंजाब, एदी पहचान की है, दो जोड़नी चिन्ह। हां, कई बारी दो जोड़नी चिन्ह नहीं भी हुंदे पेपर च, इस तरह लिखा हुंदा है। एदा मतलब भी ए है, मीन्स जा दान है जा दी आनी है, ते दा ते दी दा भी एक समझदारी नाल किवें करना। जे पुलिंग है ता दान है, जे स्त्री लिंग है ता दी आना। फॉर एग्जाम्पल, शाने पंजाब केड़ा है, उर्दू फारसी। एदा बनेगा कि उल्टा वर्ड लेके जाओ, पंजाब, पंजाब दा शान तो नहीं लिखांगे, पंजाब दी शान। नेक्स्ट वर्ड है ऐलानी जंग, हुण देखो दा लगेगा, सेम किस्सा, जंग दा ऐलान। समासी शब्द हो गए क्लियर, अज हुण गलती तो नहीं होएगी। हुण सिर्फ गलती इत्थे ही हो सकती है तुहाडी, कि जे तुसी समझ के ना किता कि भिन्न भिन्न अर्थ है कि समान अर्थ है, ज्यादा गड़बड़ किथे होनी है, भिन्न भिन्न अर्थ है विरोधी अर्थ विच। देखो एक चाह पानी है,
अभी ओके यस बेटे आज दे अपने दो टॉपिक हो गए है हुन तुसी इन्हां नूं समझ के अपनी नोटबुक ते प्रैक्टिस करनी है ते नाल नाल तुहानूं प्रैक्टिस असाइनमेंट भी सेंड की जाएगी। थैंक यू सो मच।